बस तो आज हम चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीपीएस के बारे में। तो आप सभी ने अब 2018 है ये, तो 2018 में करीब मैं बोल सकता हूँ 2015 से हम लोग जीपीएस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जैसे जीपीएस क्या है, हम कैसे उससे काम में लेते हैं, तो इस बारे में ही हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो कुछ लोग हैं ज़्यादा जानते हैं, कुछ लोग हैं कम जानते हैं। तो जो लोग इसके बारे में थोड़ा कम जानते हैं, तो आज हम उनके लिए जीपीएस के बारे में टोटल डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों जीपीएस क्या होता है, आपके मन में तो ये सवाल उठता ही है, क्योंकि आप जब कोई कहीं पे जाते हो, नेट ऑन करते हो, लोकेशन ऑन करते हो, तो उसके साथ साथ ही आपको पता चल जाता है कि आप कौन सी पोजिशन में हैं। आप अगर कहीं खो जाते हैं तो जीपीएस ऑन कर सकते हैं, जीपीएस ऑन करके अपने लोकेशन को पता लगा सकते हैं, कहाँ से कहाँ जाना है ऐसे भी आप जीपीएस में काम में ले सकते हैं। आप क्या करना, कहाँ पे जाना चाहते हैं, कौन वहाँ पे जाने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये सब आपको जीपीएस के थ्रू पता चल जाता है। तो कई बार कई लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि जीपीएस ये है क्या, ये वर्क कैसे करता है, हम इतनी एक्यूरेसी पोजिशन कैसे अचीव कर लेते हैं। तो दोस्तों उन लोगों के लिए आज मैं बताना चाहता हूँ जीपीएस है क्या। तो पहले शुरू करते हैं जीपीएस क्या है। जीपीएस एक शॉर्ट फॉर्म है, जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। तो जीपीएस ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, इसका मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि हिंदी में इसे क्या है बोल सकते हैं। तो आज बात करते हैं ये जीपीएस कहाँ पे और कब से स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों जीपीएस ये ऐसा नहीं सिस्टम नहीं है कि हम जब से यूज़ कर रहे थे तभी से शुरू हुआ, उससे बहुत पहले से शुरू हुआ था। तो वो तो सब हम इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले से शुरू करते हैं कि जीपीएस कब स्टार्ट हुआ था। जीपीएस 1960 में यूएसए में स्टार्ट हुआ था। तो अब कौन सी पर्पस के लिए, तो पर्पस ये था कि आप जब यूएस डिफेंस ने अपनी सुरक्षा को और भी बेहतर करने के लिए जीपीएस सिस्टम का यूज़ किया था, जिसका जिसका मतलब से तब सिस्टम इतना क्लियर नहीं था जो एक्यूरेसी पोजीशन देता है, लगभग एक आइडिया दे देता था। तो धीरे धीरे वक्त बदलता गया और यूएस आर्मी से वो धीरे धीरे 1983 में यूएस गवर्नमेंट ने टोटल वर्ल्ड के लिए वो जीपीएस सिस्टम लॉन्च कर दिया। तो तब धीरे धीरे काम चलने लगा और 1995 में जीपीएस ऑल वर्ल्ड के लिए सिस्टम ही छोड़ दिया गया था। तो जब जीपीएस 1960 में 27 अप्रैल को छोड़ा गया, तब उसकी भी एक्यूरेसी टोटल क्लियर नहीं थी। तो धीरे धीरे बदलता गया और जीपीएस का एक्यूरेसी स्टार्ट होता गया। तब तो अब हम बात करने वाले हैं जीपीएस कैसे हमें सही से सही पोजीशन एकदम परफेक्ट एक्यूरेसी पॉइंट कैसे वर्क कराती है और कैसे प्रोवाइड करती है। हम अपनी लोकेशन यहाँ पे हैं, हम कैसे देख सकते हैं। और आप लोगों के मन में सवाल उठते ही होगा कि हम ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो एक फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन जाने के लिए हमें इतना ही वक्त लगेगा पैदल चलने में या फिर कार में, तो ये वर्क कैसे करती है। तो चलिए तो उस बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जो भी जानता हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहली बात, जीपीएस कैसे काम करती है। तो जीपीएस काम कैसे करती है, एक समझिए, एक सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट क्या करता है, हर वक्त हमारी वर्ल्ड वर्ल्ड के बाहर, यूएसए ने करीब पहले वक्त पे 10 या 12 सैटेलाइट थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया और अब इन वर्ल्ड के बाहर यूएस की 50 सैटेलाइट है, करीब 50 से भी ज़्यादा सैटेलाइट है जो वर्ल्ड को एक सर्कल के अंदर रखता है। तो वो हर वक्त उनका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करता है और उनका प्रोसेसर का फ्रीक्वेंसी भेजता है। तो अब हमारा फ़ोन फ़ोन या कंप्यूटर जो भी बोल लीजिए, तो वो क्या करता है, वो हमारा कंप्यूटर जब हम लोकेशन ऑन करते हैं तो वो रिसीव करता है, यानी वो डेटा को कैच कर लेता है रिसीवर की तरह। तो कैच करने के साथ साथ ही आपकी फ़ोन में इंफॉर्मेशन वो जब कैच करती है, वो फिर से सैटेलाइट पे जाती है। तो सैटेलाइट क्या करती है, जो लगभग कुछ ही एरिया के आसपास जो सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट में वो जब फ्रीक्वेंसी भेजता कलेक्ट कर लेता है, तो उसका डेटा यानी उसके फ़ोन से कौन सी डेटा जा रही है और कौन सी लोकेशन कब है, तो वो
सैटेलाइट पे भेजता है, तो सैटेलाइट उनकी करीबी दो सैटेलाइट से, दो या तीन तीन सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, वो तीन सैटेलाइट मिलकर आपको एक्यूरेसी पॉइंट देता है। और दूसरी बात यह है कि सैटेलाइट जो तीन सैटेलाइट आपको एक्यूरेसी पॉइंट बताता है, और एक सैटेलाइट हम करीब चार सैटेलाइट काम में लेते हैं एकदम परफेक्टली, फोर सैटेलाइट हम काम में लेते हैं हमारी एक्यूरेसी पॉइंट कैच करने के लिए, हम कहाँ पे हैं, कौन सी पोजीशन में है, कब कौन सी वक्त पे हैं, वो सब हम जानने के लिए चार सैटेलाइट को काम लेते हैं। तो तीन सैटेलाइट का काम होता है कि आपको एक्यूरेसी पॉइंट बताना, और जो फोर्थ सैटेलाइट है वो काम करती है आपको आप कितनी ऊंचाई पे हैं वो बताने के लिए। तो ये चार सैटेलाइट मिलकर आपका काम आसान कर देती है। अब बात आती है कि सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी भेजता है, रिसीवर की तरह कैच करता है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हम एक पोजीशन में जाते हैं, समझ लीजिए हम कोई एक जगह जगह से और एक दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो तब सैटेलाइट कैसे काम करती है, तब हमें एक्यूरेसी पॉइंट को कैसे बात करती है, क्योंकि हम जब पैदल खड़े होते हैं तब हमारे एक्यूरेसी पॉइंट वो दिखाता है। तो हम अब हम चल रहे हैं तो कैसे काम करती है, और वो पोजीशन कैसा है, तो जो चल रहा है तो उस पोजीशन में पहुंचने के लिए आपको कितना वक्त लगेगा वो कैसे बता दिया। तो व्यूअर्स, मैं ये बारे में जब बताने के लिए आपको और एक बार रिपीट करना पड़ेगा। तो रिपीट ये है कि हम जब हमारी पोजीशन में, जो तीस तीन सैटेलाइट हमारे साथ रिसीवर के वो फ्रीक्वेंसी भेजता है, और हम रिसीवर की तरह काम करते हैं फिर से डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो हम जब डेटा ट्रांसफर करते हैं तब तीन सैटेलाइट ये काम करती है, और चौथा सैटेलाइट हमारा पोजीशन देखता है। तो वो देखता है पोजीशन कितना आप या डाउन पे आप जाना चाहते हैं, उसके लिए वो फोर्थ सैटेलाइट काम करते हैं। और ये जो रिसीवर कैच करता है वो होता है आपके मोबाइल की नेटवर्क के थ्रू, यानी कोई भी सिम का नेटवर्क, आप जब नेट ऑन करते हैं तब आपका जो नेटवर्क है वो सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप जिस एरिया में हैं उनके आसपास कौन सा सैटेलाइट है, तो वो सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होकर आपका काम आसान कर देता है। तो वो सैटेलाइट काम आसान कर देता है कैसे, वो जब आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके वक्त आपको डेटा, आपको जो लोकेशन ऑन करना पड़ता है, तो लोकेशन के थ्रू आपको ज़्यादा डेटा जाते हैं, आपने शायद ही देखा होगा ज़्यादा डेटा जाता है, बैटरी भी ज़्यादा जाती है। तो उससे आप जो डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर कंज्यूम होता है। और एक बात, जो आप जो जा रहे हैं तो उसके लिए आपको डेटा ज़्यादा लगती है, तो लोकेशन का एक्यूरेसी पॉइंट होना चाहिए, सैटेलाइट की भी पोजीशन ठीक ठाक रहनी चाहिए। तो सैटेलाइट क्या करता है, हर वक्त फ्रीक्वेंसीज भेजता है, तो वो फ्रीक्वेंसी जब जाती है कौन सी स्पीड पे जाती है, आपका एक पोजीशन से और एक पोजीशन में जाने के लिए एक आप एक पावर माने आप एक नीर परफेक्ट पोजीशन पे जाने के लिए उसके अंदर कितना वक्त लग रहा है वो तीन सैटेलाइट कैलकुलेट कर देता है। तो तीन सैटेलाइट कैलकुलेट करने के बाद वो आपके फ़ोन में शो होता है, जब शो होता है तो उसी के थ्रू आप यहाँ से और एक जगह पे जाने के लिए कितना वक्त लगता है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। वो एक्यूरेसी नहीं है, आप अगर रुक जाएंगे तो वो भी वैसे पावर को देख लेगा, तो धीरे धीरे ऐसे ही वर्क करता है। तो सैटेलाइट का जानकारी हम दे दिया है, तो अब बात करते हैं सैटेलाइट कैसे वो मैप के अंदर ही पोजीशन कैसे बताता है। तो दोस्तों ये बताना चाहता हूँ मैं कि सैटेलाइट हमारा जो पावर पोजीशन पॉइंट है वो अलग चीज़ है और मैप्स अलग चीज़ है। तो मैप्स के बारे में मैं थोड़ा जानकारी देता देता हूँ, और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको चाहिए वीडियो, देखना चाहते हैं कैसे एक्सप्लेन होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो सर्विस करूँगा। तो दोस्तों इसके बाद आता है कि वो मैप्स कैसे काम करती है, ये छोटे में धीरे सुस्ते बता देता हूँ। तो जो मैप्स होती है तो मैप्स वर्ल्ड का पोजीशन कैच कर लेता है, तो वर्ल्ड में वो हर जगह में एक आर्किटेक्ट की तरह पोजीशन सेट कर देता है। तो वो पोजीशन सेट करने के बाद वो जो ड्रॉ करता है वो पूरा वर्ल्ड के अंदर प्रिंट आउट वर्क कर देता है। तो मैप सेटेलाइट क्या करती है, वो जो पोजीशन वाला सेट, वो जो पोजीशन है वो सेट करने के बाद आपका पॉइंट कहाँ है तो वो आपको बाद शो करती है। इसके थ्रू आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे हो और आपका पोजीशन क्या है। आपको हर वक्त
मैप्स आप देखे होंगे कि ऐप मैप्स ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहता, इसलिए आपको पुरानी चीज़ ज़्यादा बार देखनी पड़ती है। कई बार मैंने भी देखा है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको जीपीएस से क्या क्या फ़ायदा होता है। आप ट्रैवलिंग में फ़ायदा होता है, या फिर आपने कभी जीपीएस यूज़ किया है या नहीं, या आप कभी जीपीएस यूज़ करना चाहते हैं या नहीं, प्लीज़ ये कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर मेरे से कोई भूल होती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय फ्रेंड्स।